की बहुत सारी चीजें जो कि तुम लोगों को नहीं पता कि हमारे गेम के अंदर आने वाली है, जो कि एडवांस सर्वर के अंदर पहले दिखा दिया गया है। अभी जैसे कि तुम लोगों ने देखा, इसको कहते हैं डोम ग्रेनेड, ठीक है। तो इस टाइप का बहुत सारी चीजें आएगा, जैसे कि क्लैश ऑफ स्क्वाड के अंदर आने वाले टाइम के अंदर ना तुम लोग रिवाइव नहीं कर पाओगे, मतलब अपने टीममेट को भी रिवाइव नहीं कर पाओगे, ऐसी चीज आने वाली है। एंड तुम लोगों को कब यहाँ पर गन स्किन परमानेंट मिलेगा इसका भी यहाँ पर डिसाइड कर दिया, मतलब इतने क्रेट खोलोगे ना तो तुम लोग यहाँ परमानेंट मिलना कन्फर्म है भाई, ऐसी भी चीज आएगी। एंड दिवाली के फ्री रिवॉर्ड में तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि अब जब भी वीडियो बनाता हूँ कुछ फ्री आइटम के बारे में बताता हूँ। दिवाली वैसे भी नजदीक है तो तुम लोगों को उसमें फ्री इमोट जो मिलेगा, फ्री में जो बंडल मिलेगा, उसमें कौन कौन से टोकन आएंगे, सब कुछ तुम लोग को डिटेल के साथ पता चलेगा, ठीक है। एंड बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपना यूट्यूब चैनल का पासवर्ड भूल गया था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा घूमने चला गया था इसलिए नहीं बना रहा था, बीच में वो कॉल बैक इवेंट का डाल दिया था, उसके बाद से नहीं बनाया, ठीक है, अभी बना रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पर मैं तुम लोग को ना एडवांस सर्वर के ना एकदम नए नए इंटरेस्टिंग वाले अपडेट बता दूँ। तो देखो सबसे पहले मैं तुम लोग को बता दूँ कि CS रैंक जो होगा ना, मतलब CS हो गया फिर CS रैंक होगा, अगर तुम लोग स्क्वाड खेलोगे ना तो तुम लोग अपने खुद के टीममेट को रिवाइव नहीं कर पाओगे, मतलब डायरेक्टली एनिमी फिनिश होगा, चाहे वो तुम्हारी टीम हो चाहे वो सामने वाले की टीम हो, एनिमी एकदम फटाक से फिनिश होने वाला, तुम्हारा टीममेट भी खत्म हो जाएगा तो तुम लोग रिवाइव नहीं कर पाओगे। ये मुझे लोन वुल्फ की तरह लग रहा है, पता है तुम लोग को लोन वुल्फ में एक बार मार दो तो रिवाइव नहीं कर पाते हो भाई, सीधा लुढ़क जाता इंसान, ठीक है, सीधा ऊपर पहुंच जाता, तो ऐसा ही होने वाला है ये वाला यार। मतलब थोड़ा सा अपडेट थोड़ा अजीब टाइप का लगा, क्योंकि यार देखो एक ही बार में मर जाएंगे तो फिर वही एक्सपेक्टिंग करो यार, मतलब बोरिंग हो जाएगा, ठीक है थोड़ा सा। बट अभी देखते हैं कि गेम में आने के बाद वो कैसा लगेगा, एडवांस वर्ल्ड के अंदर फिलहाल आ गया है, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को बता दूं, देखो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि यार तुम लोगों को मतलब सामने एनिमी होता है ग्लू वॉल लगा रहता है, लेकिन तुम लोग ग्लू वॉल नहीं फोड़ पाते हो, मतलब बहुत एमो वेस्ट हो जाता है, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का ग्रेनेड आने वाला है जिसका नाम है कोरिजन ग्रेनेड, ऐसे करके कुछ नाम है, ठीक है। तो जो भी नाम है इसको तुम लोग वेंडिंग मशीन से ले सकते हो, वेंडिंग मशीन से ले लेना, उसको जाके मतलब जैसे एनिमी ग्लू वॉल लगाएगा तुम लोग जाके उसको आगे फेंक देना, उसके बाद क्या होगा कि 4 सेकंड के अंदर अंदर वो ग्लू वॉल अपने आप डैमेज हो जाएगा, उसके अंदर एक आग लग जाएगा, ठीक है, उस आग से वो मतलब जो मतलब ग्लू वॉल होगा ना वो एकदम भस्म हो सकता है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर ये वाला जो ग्रेनेड है ना इसका नया यहाँ पर निकल गया है, ठीक है। एंड अभी बात करते हैं डोम ग्रेनेड के बारे में, तो यहाँ पर ये एक भवंडर बनाने वाला, भवंडर पर ही, तो कैसे बनाएगा, तो इसमें क्या होगा कि तुम लोग एक ग्रेनेड मिलेगा, मतलब रास्ते में मिल सकता है, वेंडिंग मशीन से भी ले सकते हो, तो जैसे भी लोगे तो तुम लोग यार जैसे इसको फेंकोगे ना सामने तो तुम लोग आगे ना घेरा बन के आएगा, ये स्मोक ग्रेनेड की तरह ही होगा, लेकिन स्मोक ग्रेनेड में क्या होता है कि तुम लोग ना मतलब देख नहीं पाते हो, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि अंदर जाके तुम लोग आराम से नज़ारे दिख सकते हो एकदम, मतलब तुम लोग देख सकते हो कि इस टाइप का सीन होगा जिसमें गाइस तुम लोग अंदर जाके बैठ सकते हो, थोड़ा बहुत कैंप भी कर सकते हो, लेकिन हाँ एनिमी अंदर आ सकता है, क्रोनो की शील्ड की तरह है, लेकिन यार इसमें वही है बस अंदर आ सकता है लेकिन बाहर से कोई देख नहीं सकता कि एनिमी है कहाँ, ठीक है। तो इस तरीके का सीन होगा, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली चीज़ है, मैंने तुम लोग को बता दिया, ठीक है। एंड मैं तुम लोग को बता दूं कि जैसे कि हमारा जो अभी अपडेट आएगा उसके अंदर गाइस क्या होगा कि जो ग्लू वॉल होगा ना उसमें जैसे तुम लोग ग्लू वॉल लगाते हो तो उसमें एक एनिमेशन आएगा जहां पर थोड़ा सा नीचे से धूला टाइप का उड़ता हुआ दिखाएगा, स्मोक टाइप का होगा, तो मैंने तुम लोग को बता दिया। अभी देखो सीन क्या है कि देखो यार अपडेट वगैरह का वीडियो जो है ना उसमें कम व्यूज़ आ रहा है तुम लोग को पता, क्योंकि ज़्यादा उस टाइप का हाइप नहीं रहा, ठीक है, काफ़ी बंदे मतलब देखना पसंद नहीं करते, तो मैं सोचता हूँ कि अभी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स बनाया करो, ठीक है, मतलब दिन का 2 शॉर्ट्स बना दूंगा, और अगर तुम लोग बोलोगे, अगर तुम लोग को लॉन्ग वीडियो का डिमांड रहेगा तो वीडियो भी बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी चलो यहां पर एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं कि देखो एडवांस सर्वर के अंदर एक चीज दिखाया गया जिसमें कि देखो क्या होता है कि कभी कभी ना हम लोगों को गन स्किन परमानेंट चाहिए होता है लेकिन पता नहीं होता कि भाई उसमें 10 डायमंड लगे या फिर 10,000, कुछ पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा कि यहां पर जो अपडेट आ जाएगा उसके बाद तुम लोग यार यहां पर अपना परसेंटेज देख सकते हो, तुम्हारा जो लक होगा ना वो बढ़ता जाएगा, जिस तरीके से हम लोग का डायमंड रोल में होता है कि भाई मतलब स्पिन करोगे ना तो तुम्हारा 100 होगा तो उसका तुमको मिल जाएगा, तो उस तरीके से यहां पर गन स्किन का क्रेट में भी होगा, इसमें तुम लोग का एक टाइम के बाद पर कंफर्म है कि तुम लोग को गन स्किन जो है वो परमानेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो तुम लोग को इतना समझ में आ गया, अभी बता देता हूं दिवाली इवेंट के बारे में। तो देखो यहां पर काफी बंदे पूछते भी है कि यार दिवाली इवेंट कब आएगा, तो दिवाली इवेंट देखो कंफर्म है कि आएगा, इंडिया में जो है ना दो इवेंट होते हैं वो कंफर्म आते हैं, जैसे कि होली हो गया, दिवाली हो गया, इंडिपेंडेंस डे ये लोग ने विश नहीं किया था, वो क्यों नहीं किया था ये लोग का ही जाने, मेरे को लगता है बैन है ना इसलिए हो सकता है, लेकिन बैन भी है फिर भी इवेंट तो आ रहे हैं, नहीं किया कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ इसको साइड में रखते, किसी और दिन वीडियो मतलब मेरे को पहले ही बनाना चाहिए था इसके ऊपर लेकिन बनाया नहीं था, छोड़ो वही सब हटाओ। अभी बात करते हैं दिवाली इवेंट में तुम लोगों को क्या क्या यहाँ पर आइटम्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं तुमको बता दूं कि यार दिवाली इवेंट में इस टाइप का क्रेट तुम लोग को मिलेगा, इस क्रेट के अंदर से तुम लोग को यार हो सकता है कि 40 डायमंड का जो क्रेट होता है वो हो सकता है, उसमें तुम लोग को बंडल वगैरह तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है।
एंड देखो तुम लोग को फ्री में क्या मिलेगा, तुम लोग को फ्री में ना यहाँ पर टोकन एक्सचेंज पे तुम लोग को बंडल्स वगैरह मिल सकते हैं। तो मैं तुम लोग को ना हेलोवीन और दिवाली जो है ना उन दोनों का मैं तुम लोग को टोकन दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ हेलोवीन का। हेलोवीन का ऊपर का जो तुम लोग टॉप में देख रहे हो ना, टॉप फोर्थ तक देख रहे हो, मतलब चार को जो देख रहे हो ऊपर का, तो ये जो है ये हेलोवीन इवेंट का, ठीक है। इसमें चॉकलेट वगैरह बनाया गया, पम्पकिन बनाया गया, तो ये हेलोवीन का रहेगा। एंड हेलोवीन के यहाँ पर जो नीचे जो तुम लोग देख रहे हो, ये जो रॉकेट वाला हो गया एंड ये जितने भी दिया टाइप का ये जो टोकन तुम लोग देख रहे हो ना, ये है हमारा दिवाली इवेंट का यहाँ पर टोकन, ठीक है। एंड इस टोकन से तुम लोग एक्सचेंज करके रिवॉर्ड ले सकते हो, मतलब जो हमारा हेलोवीन है उसमें तो तुम लोग को पता है कि यार हेलोवीन इवेंट इंडिया में तो आया नहीं है 2-3 सालों से, तो इस बार भी मेरे हिसाब से नहीं है देखेंगे, मतलब 3 साल पहले आया था, ठीक है। बाकी 2 साल से हेलोवीन इवेंट आ ही नहीं रहा, मैं तुम लोग को झूठ नहीं बताऊंगा, तुम लोग को पता ही है। तो हेलोवीन इवेंट नहीं आएगा, दिवाली आएगा, तो दिवाली में एक्सचेंज करने पर तुम लोग को ये जो बंडल तुम लोग देख रहे हो ना, ये तुम लोग को फ्री का मिलेगा। ऊपर मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ इसका जो मतलब टोटल जो होता है ना वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ ये फीमेल का बंडल रहेगा, ये तुम लोग देख के पहचान सकते हो, ठीक है। इतना तो तुम लोग को समझ में आ ही जाएगा, समझदार हो तुम लोग। एंड ये बंडल तो मिल जाएगा। और एक फ्री में क्या मिलेगा, फ्री में एक और इमोट मिल सकता है। फ्री का इमोट मैं तुम लोग को दिखाया, तो यहाँ पर एडम चेजर जो डांस करा ना, ये इमोट भी तुम लोग को फ्री का मिलेगा टोकन के एक्सचेंज में, ठीक है। इस टोकन से एक्सचेंज करके आप तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। तो होप करता हूं तुम लोग को वीडियो पसंद आएगी सब कुछ। तो मैंने तुम लोग को इवेंट वगैरह बता दिया एंड एडवांस रहो के अपडेट भी बता दिया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, ठीक है।